नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सिर्फ एक लोकप्रिय नेता ही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के भी स्टार। ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दुनिया भर में उनके आसपास भी कोई दूसरा नेता नहीं ठहरता, लेकिन सोमवार को उन्होंने अचानक एक ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया। ये खबर उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वो अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं, आप सभी को पोस्ट करता रहूंगा। पीएम मोदी का ये ट्वीट इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि उन्होंने ही सोशल मीडिया की ताकत से लोगों को रूबरू कराया है। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनके इस ट्वीट से हड़कंप मचना था, तो मचा भी। देखते ही देखते उनका ये ट्वीट ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया नहीं छोड़ने की अपील की। उनके ट्वीट को एक घंटे के अंदर ही 17,000 लोगों ने रिट्वीट किया और 50,000 लोगों ने लाइक किया। कई लोगों ने रिट्वीट करते हुए कहा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी ही वजह से वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के इस ट्वीट पर तंज कसा। राहुल ने पीएम मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया को नहीं। जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उम्मीद है ट्रोल्स आर्मी को ये सलाह देंगे जो आपके नाम पर हर सेकंड दूसरों को गाली गलौज धमकाने का काम करते हैं। शशि थरूर ने ट्वीट किया, पीएम मोदी ने अचानक सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर लोगों को चिंता में डाल दिया है कि क्या ये पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का प्रस्ताव है। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया सकारात्मक और उपयोगी संदेश भेजने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये नफरत फैलाने के लिए नहीं है। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी हर वक्त डिजिटल की बात करते हैं, उनके जैसा डिजिटल पुजारी अगर सोशल मीडिया छोड़ेगा तो कहां जाएगा? क्या मोदी साधु संत बनेंगे? क्या वो मानसरोवर चले जाएंगे? कांग्रेस जहां पीएम मोदी को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि अगर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो वो आगे क्या करेंगे। इसका जवाब दिया बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने। अमित मालवीय ने कहा कि हमें रविवार तक इंतजार करना चाहिए। पीएम मोदी का इरादा क्या है, इसे जानने के लिए इंतजार करना चाहिए। अभी किसी तरह की अटकलें लगाना सही नहीं है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्हें 5.3 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी उन्हें 4.4 करोड़ लोग फॉलो करते हैं।